संकट मोचन बने नितिन गडकरी, पीएम बनने की चर्चा तेज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर गोवा में पार्टी के संकट मोचन के रूप में सामने आए। बता दें कि मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद उन्होंने न केवल नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर तेजी दिखाई, बल्कि गठबंधन में टूट को टालते हुए सहयोगी दलों को भी साधे रखा। जहां गडकरी की नीति इन दिनों काफी चर्चा में है, वही उनके नरेंद्र मोदी की जगह प्रधानमंत्री बनने को लेकर फिर से अटकलें लगने शुरू हो गई है। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा में ऐसा कोई नहीं है जो यह चाहता है कि लोकसभा चुनाव में सीटें घटे और पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर कोई अन्य नेता उभरे। उन्होंने कहा कि मैं खुद को पार्टी का समर्पित सिपाही मानता हूँ और देश के लिए काम करता हूँ। मैं इस तरह की कैलकुलेशन नहीं करता और न ही ऐसी कोई अपेक्षा है। उन्होंने कहा कि पार्टी को पूरी उम्मीद है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए कामों के चलते भाजपा पूर्व बहुमत के साथ सरकार में लौटेगी, इसलिए इन अफवाहों का कोई मतलब नहीं है। वहीं उन्होंने राम मंदिर और एयर स्ट्राइक पर हो रही राजनीति पर कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय सेना के साहस का सबूत मांगना अच्छी बात नहीं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इससे